92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं मुंबई मस्का मार के मैं ब्रजेश जी स्टॉक मार्केट संस्कार दूसरा ट्रेडिंग अकेडमी इंडिया वैली रेट मोस्ट स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारे साथ है अद्भुत साठ। आज का दूसरा प्रश्न, गुड मॉर्निंग अद्भुत सर, मेरा नाम उज्ज्वला है और मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज कैपिटुलेशन इन स्टॉक मार्केट। गुड मॉर्निंग उज्ज्वला, कैपिटुलेशन तो कैपिटुलेट यानी हार मानना, टू एक्सेप्ट डिफीट, और कैपिटुलेशन का मतलब है आत्मसमर्पण, यानी तुमने हार मान ली। अब मार्केट में कैपिटुलेशन का मतलब होता है जब बुल्स हार मान लेते हैं, जब काफी सारी गिरावट होती है, मार्केट गिरता जाता है और जो लास्ट बुल होता है ना, जो निवेशक होता है, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कैपिटुलेट होते हैं, यानी आत्मसमर्पण करते हैं और गिव अप करके सेल कर देते हैं उनकी पोजिशंस को। यानी ऐसे सिचुएशन में एक मार्केट में बॉटम देखा जाता है और उसके बाद एक अच्छी खासी बढ़ोतरी आती है मार्केट में। ये 23 मार्च 2020 को भी हुआ था, मतलब जब लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे पैनिक हुए थे, इनिशियली पैनिक था और बाद में कैपिटुलेशन हुआ, यानी एक ऐसी सेलिंग आई जिसके बाद वो बॉटम कभी देखा नहीं गया, उसके बाद मार्केट ऊपर ही आया। ये क्या बुरी चीज है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, बुलिश कैपिटुलेशन में क्या होता है ना, जब मार्केट ऊपर जाता होता है तो जो बेयर्स होते हैं वो नुकसान करते हैं अपना, बुल्स को फायदा होता है। तो ये वॉर है, वॉर जब एक फोर्स होता है ना, जो बुल फोर्स जब गिरावट में आत्मसमर्पण करता है तो बॉटम होता है, और जब बेयर्स आत्मसमर्पण करते हैं जब मार्केट ऊपर जाता है तो मार्केट के टॉप्स भी देखने को मिलते हैं। सो समझो, और इसको ढूंढने के तरीके भी है, सीख लो। ऑल द बेस्ट।